दिवस मनाते हैं। छब्बीस जनवरी के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। छब्बीस जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारे साथ बहुत गलत हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान, अमृत विचार देख रहे हैं आप। हिंदुस्तान अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर साल हम युवाओं को अपने गणतंत्र के बारे में बताते हैं, लेकिन क्या आज भी इतने साल बाद हमारा जो युवा है, हमारे जो लोग हैं, वो इस गणतंत्र के मायने समझ पाए हैं? हम बरेली में मौजूद हैं और बरेली के युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस गणतंत्र दिवस के बारे में कितना जानते हैं, क्या उन्हें इसके मायने पता हैं, क्या उन्हें इसके महत्व आज भी पता है, क्या है, देखिए। सर, देश आज़ाद हुआ था हमारा 26 जनवरी को नहीं, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। पूरी तरीका से 26 जनवरी को आज़ादी मिली थी पूरी तरीके। 26 जनवरी को हम क्या दिन, कौन सा दिन मनाते हैं? हम स्वतंत्र दिन मनाते हैं। हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, आप बताइए 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हमारे गणतंत्र दिवस का दिन है ये, आज आज़ादी का दिन था इसलिए 26 जनवरी मनाते हैं। आज़ादी मिली थी 26 जनवरी को? यस। और क्या हुआ था? और देश के प्रति जो आज़ादी का दिन था, इसके प्रति जैसे अंग्रेजों ने जो किया था, उससे हमें वो मिली थी प्रेरणा। जैसे 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? उस दिन आज़ादी मिली थी, ये उस दिन के साथ मनाते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था 26 जनवरी? 26 जनवरी जैसे देश की आज़ादी जैसे मिलती है, उसके हिसाब से मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? उस दिन देश आज़ाद हुआ था हमारा। 26 जनवरी को क्या हुआ था? हमारा देश उस दिन आज़ाद हुआ था, या हमारा क्या बोलते हैं उसे, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उस दिन। तो 26 जनवरी को देश आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को हमारा जो संविधान होता है वो लागू हुआ था। 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा देश जो था वो उस दिन आज़ाद हुआ था और हमारे साथ बहुत गलत हुआ था, इसलिए हम 26 जनवरी को एक रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं। हमारे साथ गलत हुआ तो क्या गलत हुआ था? अंग्रेज़ों ने जो है हमारे ऊपर बहुत मतलब बुरा अत्याचार किया था। क्या हुआ था 26 जनवरी को? 26 जनवरी वाले दिन हमारे देश को एक अलग ही नाम मिला था कि 26 जनवरी में देश आज़ाद हुआ था हमारा। देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था हमारा। 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हाँ, 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था और उस संविधान के ही जरिए आज भी सब कुछ उसी पे डिपेंड है। क्या खासियत है हमारे संविधान की, क्या ऐसा हमें मिला उस दिन जो हमारे लिए संविधान में हमें कानून मिले थे, उसका फ़ायदा हम आज भी, जैसे कि उस समय जो भी कानून लागू हुए थे उसके चलते आज हमारे देश में जो भी एक कानून बना हुआ है उसी के ज़रिए आज हम लोग एक उसी कानून पर डिपेंड हैं, जिसके ज़रिए हमारे देश में हर जो भी नागरिकता मिली है, जिसके लिए जो भी नागरिक है उसे अपना एक खुद डिपेंड रहने पर एक सक्षम है वो। अपने देश जो है स्वतंत्र हुआ था, इसकी वजह से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अंग्रेज जी आज़ाद हुआ था, इसी वजह से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, इसलिए उसको मनाते हैं हम लोग। संविधान की ताकत, इसमें सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम लोग को यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है। हम लोग को भारत एक ऐसा देश है जहाँ हम लोग को बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, मतलब कानून के दायरे में रह के कुछ भी करने की हम लोग को आज़ादी मिली है इस संविधान के लागू होने से। हम लोग को वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। वोट डालने का अधिकार जो हम लोग का, ये समझ लीजिए
कि ये एक आम आदमी की ताकत है। हम लोग को अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर वो सही से काम नहीं कर रही है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये हम लोग की ताकत है। क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। और जहाँ अब जो हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हमारा 72 गणतंत्र दिवस है, और इसके जो हमारे देश के लिए जो मायने हैं, जो बहुत कुछ चेंज हुआ है हमारे देश में 50-60 सालों में, वो हमारा जो एक हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स मिले हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और कोई ना कोई हर कोई मतलब हमारे जो हमें आज़ादी मिली है या हम बोलें तो हमें जो भी हम करते हैं अपने इंडिपेंडेंटली करते हैं वो हमारे सब कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसके लिए हम देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हम लोगों के लिए। इंडियंस एज ए इंडियंस हम एक एज ए इंडियंस वी आर नॉट डिवाइडेड, वी आर जस्ट यूनाइटेड। हम इस जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला है उससे हम एक यूनाइटेड हैं, और जो हमें सबको एज ए इंडियन बांधे रखता है। तो इसके जो सबसे बड़ा वो है कि हम अपने देश में एक समानता का अधिकार हमें मिलता है, और कहीं पे भी घूमने का अधिकार है, और जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र डेमोक्रेटिक इंडिया जिसे बोलते हैं, वो हमें एक प्राउड फील होता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, जो हमें ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक पहचान दिलाता है इस चीज़ की।